नमस्कार, मीट विथ लव हेल्थ किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर क्या होता है, हम जब घर पपीता लाते हैं और वो पकता नहीं है तो उसका क्या करें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। ये लिया है मैंने एक पैन, पैन पे डाला है पपीता। पपीते में थोड़ा सा डालेंगे हम पानी और इसमें डालेंगे हम 3-4 चम्मच गुड़ की। अक्सर क्या होता है, कभी कभी हम पपीता लाते हैं वो बाहर से पका दिखता है और अंदर से वो कच्चा होता है, तो उसे कैसे खाया जाए। कुछ तो आप खा लेंगे पर इतना सा बड़ा पपीता कैसे खाएंगे, काट के उसे रख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा देर से ढक्कन लगाकर कुक होने देते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको शेयर करना भी ना भूलें। ये देखिए, अब मुझे यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। कुछ देर में ढक्कन लगाकर चेक करती हूँ कि पपीता कितना पकेगा। अब पपीते पर डिपेंड करता है कि ये पैन पे पकेगा या कुकर पे। थोड़ी देर मैंने इसे कुक कर लिया है पर मैं भी चेक करूंगी तो ये पैन पर नहीं पक पा रहा है, क्योंकि ये शायद 2 दिन रखा था इसे और ये पका नहीं, तो अंदर से ये थोड़ा सा हार्डी है तो ये पैन पर नहीं पकेगा और मुझे जल्दी रेसिपी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, एक कुकर लूंगी और कुकर पर इसको 1 सीटी लगा लूंगी, इससे बहुत जल्दी ये हो जाएगा। आप पहले पैन पे चेक करिए थोड़ा, अगर पैन पे पक जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप कुकर पे भी सीटी लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पपीते होते हैं ये नेचुरल तरीके से नहीं पकते हैं, तो इन्हें कुछ केमिकल डाल के बाहर बाजार में आते हैं, तो ये घर पर भी आप लाएंगे तो ढंग से पक नहीं पाएंगे। सिर्फ बाहर से येलो होंगे और अंदर से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं और फिर ये पक नहीं पाते हैं। 1 सीटी मैंने लगा ली है, आप डायरेक्ट कुकर में ही कर लीजिए। अभी अच्छा सा पक गया है और यहाँ पर जल्दी भी हो जाएगा। मैंने आपको पैन का इसलिए दिखाया कभी, क्योंकि अगर पपीता थोड़ा सा मुलायम है तो आप पैन पर कर लीजिए, अगर ज़्यादा हार्ड है तो आप उसे कुकर पे कर सकते हैं। अच्छे से मैं इसे हिलाकर थोड़ा सा इसे मैश कर लूँगी, हल्का हल्का जितना मुझे मैश करना है उसको मैं मैश कर लूँगी। अगर आप चाहें तो बहुत छोटे छोटे पीस भी काट सकते हैं। हल्का सा मैं इसको मैश कर लेती हूँ और इसे अब हम क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे फ्रिज में। अगर आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं और फ्रिज में भी इसे रख सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा यूज करना है तो मैं थोड़ा सा एक बोल में निकाल लेती हूँ और उसे एक प्लेट में फैलाकर फ्रीजर में डालकर मैं इसे यूज कर लूँगी। 10 मिनट में ही मुझे ये रेसिपी तैयार करनी है, इसलिए मैं ये अभी बोल में निकाल के थोड़ा सा रेसिपी बना रही हूँ और बाकी की मैं तो रेसिपी दूसरी बनाऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने बोल पर ले लिया है, थोड़ी देर इसे ऐसे नॉर्मल ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसे प्लेट पर फैलाकर मैं डीप फ्रीजर में डाल दूंगी 5 मिनट के लिए। अब करते हैं आगे की तैयारी। ये लिया है मैंने एक बोल पे दही। दही बहुत अच्छा जमा होना चाहिए आपका, फुल क्रीम दूध का दही जमाइए या आप काउ मिल्क का दही जमाइए, बहुत ही अच्छा जमता है। बहुत अच्छा दही जमा है, इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। पहले स्पून की मदद से फेंटती हूँ, फिर मैं एक विस्कर की मदद से इसको अच्छे से फेंट लूंगी। यहाँ पर इसको फेंटना बहुत जरूरी है। दही आपका बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, दही अच्छा सा थोड़ा थोड़ा मीठा दही आपको यहाँ पर चाहिए। मैंने फेंट लिया है दही। अब हम क्या करते हैं, तवे पर मैंने थोड़ा सा जीरे को भून लिया है। अब एक ओखली में मैं भुने हुए जीरे को पीस लूंगी। ये बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है, इसे डालिए और ऑन द स्पॉट इसको भूनिए और ऑन द स्पॉट इसको डालिए। अच्छे से मैं इसको यहाँ पर पीस लेती हूँ। इसमें मैंने 2-3 काली मिर्च भी डाल ली है, उससे क्या होगा, तासीर बैलेंस हो जाएगी हमारे डिश की। पपीते को फिर से निकाल लिया है, ये ठंडा हो गया। अब इसे डालेंगे दही पर। ध्यान रखिए, हमेशा आप ठंडा पपीता ही दही पर डालेंगे, नहीं तो दही खट्टा हो जाएगा या फट सकता है। इसमें डाला है मैंने जीरे और काली मिर्च का पाउडर। पाउडर यहाँ पर मैं आधा यूज कर रही हूँ, आधा पाउडर हम बाद में यूज करेंगे, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आपके डिश में आएगा। यहाँ पर डाला है मैंने स्वादानुसार नमक, काला नमक मैंने यहाँ पर डाल लिया है। अब डालूंगी मैं यहाँ पर भांग का नमक। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप यहाँ पर हरे नमक का यूज भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। ये रायता खाने में बहुत ही अच्छा है और पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। थोड़ा सा मैं इसे टेस्ट करके चेक करेंगे पहले कि इसमें कुछ कमी तो नहीं है, उसके बाद हम इसमें एक इंग्रेडिएंट और मिलाएंगे। 1 चम्मच से मैंने इसको मिक्स करके चेक कर लिया है, परफेक्ट है। अब इसमें एक चीज डालते हैं, वो है हमारी मलाई। फ्रेश दूध की 2 चम्मच मलाई लेनी है, इसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपका दही फुल क्रीम का है तो इसको अवॉइड कीजिए, दही मीठा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा दही खट्टा भी है तो आप 2 चम्मच मलाई डालेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। अच्छे से करते हैं मिक्स। बचे हुए जीरे के पाउडर को ऊपर से छिड़क लेते हैं और थोड़ा सा इसे और मिक्स कर लेते हैं। अब देते हैं इसमें तड़का।
यहाँ पर तड़का देने का एक नियम है, आप इसे ध्यान से देखिए। मैंने लिया है पैन, पैन पे डाला है मैंने सरसों का तेल। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक इसकी स्मेल ना चली जाए। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें गैस को ऑफ कर देना है और थोड़ा सा तड़के को ठंडा होने देना है। इसमें डालने हैं काले सरसों के दाने, हरी मिर्च, करी पत्ता, आप हींग भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद तड़के को हम लगाएंगे अपने रायते पर। बहुत ही अच्छा स्वाद इससे आता है। एक चम्मच रायता लेके तड़के से सारा हम तड़का निकाल लेंगे और अब डालेंगे इसमें हम ऊपर से काली मिर्च और जीरे का पाउडर। ये रायता बहुत स्वादिष्ट होता है और पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप इसे इस तरीके से बनाइए, आप यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट रायता बनेगा। वैसे भी रायता हर खाने की जान होती है, तो आप इसे इस गर्मी बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो पल्प आपका बचा है उससे आप शेक बना सकते हैं, उसे मैंगो मिला के पपाया मैंगो शेक बन सकता है और बहुत सारी डिश भी आप उसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्विक टिप्स की तरफ। हमने अक्सर क्या देखा है घर पर कि जब हम पपीता लाते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है और उसको अधिकतर हम पूरा खा नहीं पाते, तो आधा पपीता हमारा मोस्टली बर्बाद हो जाता है या हम उसे क्लीन रैप में रखकर फ्रिज में रख देते हैं। पर ये गलत है, हमें कभी भी कटे हुए फल को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए और उसे नहीं खाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, उस पके हुए पपीते को भी हल्का सा हम कुक करेंगे पैन पे हल्का सा, और उसकी जो ये खराब होने की प्रोसेस है उससे रुक जाएगी और उसे हम एज रायते के लिए पल्प को यूज़ कर सकते हैं। उसके पल्प से हम सेक बना सकते हैं ठंडा करके और उसे 7-8 घंटे पके पपीते को आराम से हम थोड़ा सा कुक करके फ्रिज में रख सकते हैं। उससे क्या होगा, पपीता हमारा खराब नहीं होगा और वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं अपने पपीते को बचाने के लिए और वेस्टेज से बचने के लिए।